सोचो एक ऐसे वेपन के बारे में जो न गोलियां चलाता है न बम फोड़ता है, बस एक बीम ऑफ लाइट से दुश्मन का ड्रोन हवा में लिटरली पिघला देता है। न आवाज, न धुआं, न ये एवेंजर्स का टोनी स्टार्क है, न कोई साईफाई फिल्म, ये असली दुनिया है भाई। और ये कारनामा कर रहा है DRDO, नाम है सूर्या। और हाँ, सिर्फ नाम ही सूर्या नहीं है, काम भी वैसे ही तेज है। भारत का ये फ्यूचरिस्टिक लेजर वेपन 2027 तक तैयार हो सकता है। 300 किलोवाट की पावर, 20 किलोमीटर तक की रेंज, और इस बार मिसाइल नहीं लाइट चलेगी, और लाइट भी ऐसी कि सामने वाले की मिसाइल का भी CPU गर्म हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्या है क्या, कैसे काम करता है, दुनिया के दूसरे लेजर वेपन्स से बेहतर कैसे है, और सबसे जरूरी, क्या ये सच में काम करेगा या बस एक और डिफेंस प्रोजेक्ट जो फाइलों में ही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये DRDO का बनाया गया एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, मतलब ऐसा हथियार जो दुश्मन पर बम नहीं फेंकता बल्कि सीधा एनर्जी फेंकता है, और वो भी लेजर, माइक्रोवेव या फिर पार्टिकल बीम के जरिए। इसकी रेंज होगी करीब 20 किलोमीटर और पावर होगी 300 किलोवाट। अब सुनने में भले ही ये एक बिजली के बिल वाला नंबर लगे, लेकिन युद्ध के मैदान में ये एक ही शॉट में ड्रोन को टोस बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया का सबसे पावरफुल DEW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होने वाला है। पुराने जमाने के तोपों और मिसाइलों को पीछे छोड़कर सूर्या पूरी तरह से फ्यूचर की तरफ एक ठोस कदम है। अब सवाल आता है, ये सूर्या आखिर करता क्या है? मतलब ये लाइट मारता है, लेकिन कैसे? तो चलो थोड़ा साइंस वाला चश्मा पहन लेते हैं। जब हम बोलते हैं लेजर वेपन, तो इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो हाई एनर्जी लाइट बीम को एकदम पॉइंटेड तरीके से फायर करता है। सूर्या में एक बेहद ताकतवर लेजर जनरेटर होगा जो एनर्जी को कंसंट्रेट करके दुश्मन के ऊपर फोकस करेगा, और ये सब एकदम साइलेंट मोड में, ना कोई ब्लास्ट, ना कोई ध्वनि, सिर्फ टारगेट लॉक और ज़ूओप फिनिश। इसमें तीन चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पावर सोर्स। 300 किलोवाट की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती, इसके लिए हाई डेंसिटी पावर मॉड्यूल्स लगेंगे जो लगातार एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे। दूसरा, बीम डायरेक्टर सिस्टम। लेजर को गोली की तरह नहीं चलाया जा सकता, इसे ट्रैक और फोकस करना पड़ता है। सूर्या के पास होगा ऐसा सिस्टम जो मिलीमीटर लेवल पर भी बीम को टारगेट पर लॉक कर सकेगा। तीसरा, एटमॉस्फेरिक कंपेंसेशन। लेजर हवा से गुजरता है और हवा में धूल, नमी, गर्मी सब होती है। DRDO इसे स्मार्ट सेंसर्स और AI बेस्ड कंट्रोल सिस्टम से ऑप्टिमाइज करने में लगा है। सीधी बात, सूर्या दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को मारने की जगह उसे ओवरहीट करता है। उसका सर्किट फेल, मेटल मेल्ट और सिस्टम डाउन। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन रोशनी वाली। अब असली मजा आता है जब हम पूछते हैं, ठीक है सूर्या बना भी लिया तो करेगा क्या? बस यहीं से शुरू होती है इसकी सुपर पावर वाली कहानी। सबसे पहले एयर डिफेंस, मतलब आसमान में जो भी आएगा, ड्रोन, मिसाइल या कोई उड़ती हुई चिड़िया जिसे दुश्मन ने बम बांध के भेजा हो, सूर्या उसको हवा में ही भून देगा, और वो भी सेकेंड्स में। फिर आता है स्पेस वॉरफेयर। हाँ भाई, अब जंग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, सैटेलाइट्स भी टारगेट बन चुके हैं। सूर्या को ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में दुश्मन के सैटेलाइट को डिसेबल कर सके बिना मिसाइल के, सिर्फ एक लेजर बीम से। टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशन में भी ये कमाल करेगा। जहां पहले एक मिसाइल लाखों में पड़ती थी और कोलैटरल डैमेज भी होता था, अब एक बीम से काम होगा, ना बारूद, ना बारूद की बदबू। अब कोई बोलेगा, अच्छा इंडिया ने लेजर बना लिया, बाकी देश क्या कर रहे हैं? टेंशन मत लो, चलो एक नजर डालते हैं दुनिया की लेजर वाली मंडी पर। अमेरिका, हाँ वो तो इस रेस में सबसे पहले दौड़ा था। उसका HELMD और हीलियोस जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 60 से 100 किलोवाट की रेंज में काम करते हैं, लेकिन ध्यान देना, ये अभी भी डेवलपमेंट और ट्रायल मोड में ही हैं। चीन, ओ भाई वो तो बिना बताए क्या क्या बना लेता है। उसका साइलेंट हंटर नाम का सिस्टम है जो छोटे UAVs को गिरा सकता है, और ये भी 100 किलोवाट क्लास में आता है। इसराइल, वो अपना आयरन बीम ले आया है जो 100 किलोवाट तक की बीम फायर करता है, खासकर रॉकेट्स और मोर्टार्स को रोकने के लिए।
अब जरा सोचो, जब बाकी देश 100 किलोवाट पर झगड़ रहे हैं, भारत डायरेक्ट 300 किलोवाट लेकर एंट्री ले रहा है। मतलब मैच में सब बैटली खड़े हैं और इंडिया बाजू पर लेजर मॉड्यूल फिट करके आया है। अगर डीआरडीओ वाकई इस लेवल का वेपन 2027 तक बना लेता है तो इंडिया सीधे टॉप टियर डीडब्ल्यू क्लास में पहुंच जाएगा। और इस बार सिर्फ न्यूक्लियर पावर की बात नहीं होगी, लाइट पावर की बात होगी। अब देखो, बात इतनी भी सिंपल नहीं है कि सूर्या बनाओ, चालू करो और दुश्मन जल जाए। हर चीज के साथ कुछ लेकिन तो आता ही है, और इस केस में भी आएगा। सबसे पहले एटमॉस्फियर, लेजर सीधा हवा से गुजरता है और अगर उस हवा में धूल, नमी, धुंध या तेज गर्मी हो तो बीम सीधा टारगेट तक पहुंचे उससे पहले ही स्लो इंटरनेट जैसी हालत हो जाती है। मतलब टारगेट लॉक भी किया लेकिन बीम में दम नहीं बचा। दूसरा, पावर सप्लाई। 300 किलोवाट की बीम मतलब एक छोटा थर्मल प्लांट साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी सूर्या को फुल पोर्टेबल बनाना मुश्किल है, यानी ये पहले फिक्स्ड लोकेशन डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरा, कूलिंग सिस्टम। इतनी एनर्जी अगर जनरेट हो रही है तो ठंडा रखने के लिए भी कोई एसी नहीं, पूरा क्रायोजेनिक सिस्टम लगाना पड़ेगा। और सबसे मजेदार, टेस्टिंग। इंडिया में जब भी कोई नया डिफेंस सिस्टम बनता है तो टेस्टिंग में ही आधा टाइम चला जाता है। कहीं वो पॉलिटिकल क्लियरेंस का इश्यू होता है, कहीं ट्रायल का वीडियो लीक हो जाता है, कहीं कोई साइंटिस्ट ही सबैटिकल पर चला जाता है। अब सवाल ये है, चलो सूर्य आ गया तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? सीधी बात बताऊं, बहुत भारी फायदा। सबसे पहले डिफेंस इंडिपेंडेंस। अभी तक हम मिसाइल डिफेंस के लिए बाहर से सिस्टम लेते थे, रूस से A-100, अमेरिका से कुछ और। अब जब अपने यहां लेजर चलेगी तो डिपेंडेंसी कम होगी और अपना डीसी जुगाड़ हाईटेक बन जाएगा। फिर आता है ड्रोन वॉरफेयर। आजकल सस्ता ड्रोन सबसे खतरनाक हथियार है और उसका तोड़ है सूर्य। मतलब पाकिस्तान से कोई ड्रोन आया तो इंटरसेप्टर मिसाइल फेंकने की जरूरत नहीं, सूर्या एक बीम मारेगा और ड्रोन का प्रोसेसर पक जाएगा। भाई, अगर डीआरडीओ इसे टाइम पर डिलीवर कर दे और वो भी पूरी क्षमता के साथ, तो ये न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। 300 किलोवाट की लेजर बीम कोई मजाक नहीं है, ये बैटलफील्ड को लिटरली रीडिफाइन कर सकती है। लेकिन हम सबको पता है, इंडिया में प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन और बुलेट ट्रेन की स्पीड में थोड़ा फर्क होता है, तो उम्मीद है लेकिन साथ में धैर्य भी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीआरडीओ का सूर्य सही में चलेगा या ये भी बस एक प्रेस रिलीज तक ही सीमित रहेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको लगा कि ये लेजर टॉपिक में कुछ दम है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बीम आपकी नोटिफिकेशन बेल पर भी पड़ सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटन दबाओ और लाइट ऑन रखो। जय हिंद, जय भारत।